गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, TTC जोधपुर के ई लेक्चर क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के विषय EL 304 का यूनिट फर्स्ट माइक्रोवेव पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हमने माइक्रोवेव के बारे में बात कर ली है, उसके बैंड्स डिस्कस कर लिए हैं, CCIR का बैंड डेजिग्नेशन पढ़ लिया है, वेरियस प्रीफिक्सेस जो हमारे काम में आते हैं मैट्रिक के वो पढ़ लिए, माइक्रोवेव की हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया हमने, और प्रोपेगेशन करेक्टरिस्टिक्स और उसकी जो वेरियस बैंड्स की एप्लीकेशन है उनको डिस्कस किया अपन ने। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव डिस्कस किए थे। इसमें पहला एडवांटेज हमने पढ़ा था इंक्रीज्ड बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी, कि किस प्रकार से हमारी बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हमने बात कर ली थी इम्प्रूव डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि हायर फ्रिक्वेंसीज पे जो डायरेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, बैंडविड्थ बहुत कम हो जाती है। और साथ ही साथ हमने इसमें ये भी देखा था कि जो हमारा एंटीना डायमीटर की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम होती है, स्मॉल साइज ऑफ एंटीना की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमने फीडिंग इफेक्ट के बारे में बात की थी कि लो फ्रिक्वेंसीज पे फीडिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, हायर फ्रिक्वेंसीज पे कम रहता है, तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन ज़्यादा रिलायबल है। उसके बाद हमने पावर रिक्वायरमेंट की बात की थी कि पावर रिक्वायरमेंट चूँकि हायर फ्रिक्वेंसीज पे कम होती है तो सिस्टम अपना स्मॉल कंपेरेटिवली बनता है। और ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी जो थी इसकी माइक्रोवेव की, कि 300 MHz से 10 GHz का जो अवेलेबल हमारा जो स्लॉट होता है, विंडोज़ को हम कह सकते हैं, जिसके कि अंदर आयनाइज लेयर का और हमारा जो अर्थ के अराउंड सरफेस एटमॉस्फेयर है उसको वो इजीली प्रोपेगेट कर सकती है, तो उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हुए हम रिसर्च स्टडी में बात करें तो माइक्रोवेव रेडिएशंस के, सन और स्टार्स के जो रेडिएशंस आ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च है उसमें हम यूटिलाइज करते हैं। और ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन हमारा जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का है ग्राउंड स्टेशंस में और जो वेरियस स्पेस व्हीकल्स हैं उनके बीच में पॉसिबल हो पाता है। अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं उनमें हमारा काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे बैंड के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार माइक्रोवेव हिस्ट्री पे भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार किसी एक पर्टिकुलर CCIR बैंड के बारे में कि उसकी क्या प्रोपोगेशन प्रॉपर्टी है, क्या एप्लीकेशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और बड़ा क्वेश्चन जो एक बनता है वो बनता है एडवांटेजेस के ऊपर। उसके बाद जो एक नेक्स्ट हमारा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन जो भी बनता है, वो बनता है वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव के ऊपर, जो कि हमारा टॉपिक नेक्स्ट आता है। तो हमारी जो वेरियस एप्लीकेशंस हैं अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग हैं, टेलीकम्युनिकेशंस में है एप्लीकेशन हमारी, रेडार्स जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है माइक्रोवेव्स का एडवांसमेंट के साथ में वो, फिर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी, और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में इसको यूटिलाइज करते हैं। उसके अतिरिक्त भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको कि हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस के बारे में, कि टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में हमारा कौन कौन सी एप्लीकेशन इसकी संभव होती है। तो पहली जो इसकी एप्लीकेशन आती है वो इंटरकॉन्टिनेंटल टेलीफोन एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग में, जब दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में आप जो कम्युनिकेशन करवा रहे हो तो वहाँ पर आपका ये जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हायर फ्रिक्वेंसीज पे ही पॉसिबल अच्छे से हो पाता है। तो जब हम इंटरकॉन्टिनेंट्स के बीच में टेलीफोन कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर टीवी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, चाहे DTH के माध्यम से करो चाहे कैसे भी करो, उसके लिए ये माइक्रोवेव जो बैंड है वो बहुत ही बेटर रहता है। दूसरा हमारा स्पेस कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर भी हमारा टेलीकम्युनिकेशन में ये माइक्रोवेव रेंज के बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है। आप अर्थ स्टेशन से स्पेस में कम्युनिकेशन कर रहे हो या स्पेस टू अर्थ कम्युनिकेशन कर रहे हो, सिंगल साइडेड या डुप्लेक्स, जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो वो हमारा टेलीकम्युनिकेशन की कैटेगरी में इसमें आता है, चाहे सैटेलाइट फोन्स के संदर्भ में बात करो या उसके लिए आपके चाहे वेदर सैटेलाइट्स हों, आपके वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपकी स्पेस से अर्थ तक आ रही है, या आपका टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट फोन्स हैं जो आप डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चल रहा है, उसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के हमारे स्पेस सैटेलाइट्स होते हैं जो कि अलग अलग हमारी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में या एप्लीकेशंस में यूटिलाइज होते हैं। उसके अतिरिक्त हम बात करें तो टेलीमेट्री कम्युनिकेशन में और लिंक फॉर रेल टेलीकम्युनिकेशन बिटवीन रेलवेज के अंदर,
तो रेलवे में जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर भी हमारा ये माइक्रोवेव एप्लीकेशंस ही आती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस का नेटवर्क है हमारा, उसको भी हम इसमें थ्रू ही कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। सेकंड जो हमारा फील्ड आता है वो आता है रेडार्स का। जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि माइक्रोवेव एडवांसमेंट्स के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ था वो रेडार का हुआ था। रेडार जो होता है हमारा वो रेडो डिटेक्शन और रिसेप्शन का केसेस होता है कि आप एक हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, वो उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस हमारे पास हमें रिसीव होता है और उस रिसीव्ड सिग्नल को हम स्टडी करते हैं और उससे हम वेरियस प्रकार की विभिन्न प्रकार के आउटपुट्स को हम लेते हैं। उसमें हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर व्हीकल का या कोई ऑब्जेक्ट है उसकी साइज, उसकी स्पीड, उसका मूवमेंट आपकी तरफ है या दूसरी तरफ है, इस प्रकार के वेरियस प्रकार के एडवांटेजेस एप्लीकेशंस उसके आते हैं। तो रिडार्स की जो एप्लीकेशन आती है, पहला इंपॉर्टेंट मिलिट्री एप्लीकेशंस, या अपने वैसे बात करें तो डिटेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट। तो आपने देखा भी होगा कि रिडार कंटिन्यूस मूवमेंट करता रहता है, ट्रांसमिट करता रहता है, तो उसमें क्या होता है जो भी कोई ऑब्जेक्ट उसकी रेंज में आता है उससे वो सिग्नल टकरा के वापस रिसीव होता है, तो रिसीवर को ये ज्ञात होता है कि देर इज़ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कितना एरिया से कवर होकर हमारी सिग्नल पहुंच रहा है। उसके हिसाब से आज की डेट में हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कौन सा है और किस वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, कितनी डिस्टेंस पे कर रहा है, किस हाइट पे कर रहा है, ये सारे हम कैलकुलेशन उसके लिए पॉसिबल हो पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसका रेडार्स का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है मिलिट्री एप्लीकेशंस, ट्रैक गाइड सुपरसोनिक मिसाइल्स। सुपरसोनिक मिसाइल्स को ट्रैक करना कि उसका मूवमेंट कहाँ है, उसको गाइड करना किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे या किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, वो भी हमारी रेडार्स की ही एक एप्लीकेशन आती है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व एंड ट्रैक वेदर पैटर्न्स। वेदर के पैटर्न्स को ट्रैक करना और ऑब्जर्व करना, क्लाइमेट्स के पैटर्न्स को, वो भी हमारा आज की डेट में रेडार्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। देन हमारा जो कॉमर्शियल हमारी जो एप्लीकेशन है एयरक्राफ्ट्स की, जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह हैं उसकी जो कंट्रोलिंग हमारी होती है वो होती है थ्रू एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ATC सिस्टम के द्वारा। जो भी हमारा कोई भी एयरपोर्ट होता है वहाँ पे एक ATC कंट्रोल सिस्टम होता है, वहाँ रेडार्स रहते हैं, वो कोई भी पर्टिकुलर हमारा कॉमर्शियल या कोई भी एयरक्राफ्ट है उसका कंट्रोलिंग करना है कि उसको कब आपको उसको रनवे पे परमिशन देनी है, कब उसको आपको टेक ऑफ की परमिशन देनी है, वो सारा कंट्रोलिंग भी हमारा ATC के थ्रू विद द हेल्प ऑफ रेडार सी पॉसिबल हो पाता है। जो हमारा होम एप्लीकेशंस की बात करेंगे या और कोई कॉमर्शियल एप्लीकेशंस की बात करेंगे रेडार्स की, उसकी एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है बर्गलर अलार्म। चोरी रोकने के लिए हमारा बर्गलर अलार्म जो है वो भी हमारा एक रेडार का ही एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है कि ट्रांसमीटर रिसीवर कनेक्टेड कर दिया, सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं और बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई डिफरेंस आता है तो हमारा अलार्म बज जाता है कि देर इज समवन इनसाइड। तो वो बर्गलर अलार्म जो है वो भी रेडार का हमारा एक एप्लीकेशन है, उसको चाहे तो आप होम में या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कहीं भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है गैराज डोर ओपनर्स। गैराज डोर ओपनर्स भी हैं हमारे, ये भी रेडार्स का ही एक एग्जाम्पल है कि जैसे ही व्हीकल आया गैराज ऑटोमेटिक ऑन होगा, आप अंदर गए ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ओपनर्स जो है वो भी एक इसी का एग्जाम्पल आता है, एप्लीकेशन आती है। पुलिस स्पीड डिटेक्टर्स जो आप देखते हैं, इंटरसेप्टर व्हीकल्स हम देखते हैं हाईवेज के ऊपर, जो स्पीड डिटेक्ट करने के लिए पुलिस जो व्हीकल लगाते हैं उनमें भी जो सिस्टम होता है वो भी रडार होता है। उसमें वो क्या करते हैं कि जो भी हमारा कोई व्हीकल जा रहा है उसके ऊपर फोकस करके वो जो हाई फ्रिक्वेंसीज की सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और जब वो वापस डिटेक्शन करके और जो कंटिन्यूस में ऑब्जर्व करते हैं उससे वो किसी भी व्हीकल की स्पीड को डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो रिसीव्ड वेव्स वापस आ रही हैं उनमें क्या डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है टाइम पीरियड में, और उससे उसकी स्पीड को मेजर कर पाते हैं। और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को इंटरसेप्टर व्हीकल्स के अंदर पुलिस स्पीड डिटेक्टर्स में काम में लेते हैं। ये रेडार्स की, इसके अलावा भी और भी एप्लीकेशंस आज के डेट में पॉसिबल्स हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज में, इंफ्रारेड के अंदर चाहे देख लो आप, व्हीकल्स में देख लो, बैक लाइट पार्किंग का देख लो, अलार्म देख लो, सेंसर्स कि आप पार्किंग बैक कर रहे हो, सेंसर बच जाता है कि भाई डिस्टेंस इतनी बच गई है। तो ये सारे इन्हीं से एक फर्दर मॉडिफाइड एप्लीकेशंस आ जाती हैं।
नेक्स्ट हमारा जो एरिया आता है एप्लीकेशंस का माइक्रोवेव का, वो है कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। कॉमर्शियल एप्लीकेशंस जो हमारी काम में लेती हैं माइक्रोवेव की प्रॉपर्टी को, वो हीट प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जब आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे प्लेस पर टारगेट करते हैं तो वो वहाँ पे हीटअप करता है। उस प्रॉपर्टी को जो है कॉमर्शियली इंडस्ट्रियली एप्लीकेशंस में काम में लिया जाता है। उसका सबसे जो वेल फेमस जो एप्लीकेशन अपन काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं वो है माइक्रोवेव ओवंस। सब घरों में मिलता है। माइक्रोवेव ओवन में भी क्या होता है, 2.4 GHz का माइक्रोवेव सिग्नल काम में लेते हैं 600 वाट के ऊपर, और इसकी हेल्प से हम हमारा कोई भी फूड जो है उसको खाने को पकाते हैं, बॉयल करते हैं या उसको फ्राई करते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशंस हमारी आती हैं वो ड्राइंग मशीन्स के अंदर आती हैं हमारी, किसी पर्टिकुलर क्लोथ को, पोटैटो चिप्स को, प्रिंटिंग मैटर को सुखाने के लिए। तो टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में ड्राइंग मशीन्स काम में लेते हैं क्लोथ को ड्राई करने के लिए। पोटैटो चिप्स को हम ड्राई कर सकते हैं विद माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज, और प्रिंटेड मैटर्स को भी ड्राई अप करने के लिए, सुखाने के लिए भी हमारा माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज काम में ली जाती है। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है हमारी, उनमें भी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज को ही काम में लिया जाता है। प्री कूलिंग कुकिंग में काम में लिया जाता है, आपका प्री कूल्ड फूड है उसको कुक करना है आपको, पॉस्चराइजिंग है स्टरलाइट करना है, स्टरलाइज करना है किसी चीज़ पर्टिकुलर फूड को या किसी पर्टिकुलर लोकेशन को आपको स्टरलाइट करना है, तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज जो आप हीटअप करोगे तो वो स्टरलाइज हो जाएगी। हीट फ्रोजन, आपने पहले फ्रोजन कर दिया, कोई मीट आपका पहले से फ्रोज्ड है उसको कूल्ड है, प्री कूल्ड है उसको हीट फ्रोजन करना है उसको आपको, और रोस्टिंग करना है आपको फूड ग्रेन्स को, बीन्स को। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में माइक्रोवेव को इन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस पे काम में लेते हैं। फूड इंडस्ट्री के अलावा, इंडस्ट्रीज के अलावा आपका रबर इंडस्ट्री में भी काम में आता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ आता है, केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ आता है, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में भी हमारा माइक्रोवेव की एप्लीकेशन को काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारा माइनिंग या पब्लिक वर्क्स है, जहाँ माइनिंग करनी है आपको, रॉक्स को तोड़ना है, टनल बोरिंग करनी है, ड्राइंग या ब्रेकिंग अप कंक्रीट को आपको ब्रेक करना है, ब्रेकिंग अप ऑफ कॉल सीम्स, कोल को ब्रेक करना है, खदानों को अंदर आपको ब्रेकिंग करनी है, टनलिंग करनी है, और क्यूरिंग ऑफ सीमेंट करनी है। तो ये हीटिंग प्रॉपर्टी और हाई इंटेंसिटी की जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में माइक्रोवेव को आज की डेट में यूज़ में लेके चलते हैं। उसके अलावा हम बात करें कॉमर्शियली, तो ड्राइंग इंक्स के अंदर हम इसको यूज़ में लेते हैं, ड्राइंग या स्टरलाइजिंग ग्रेन्स में इसको यूज़ करते हैं हम, ड्राइंग स्टरलाइजिंग फार्मास्यूटिकल्स में, ड्राइंग टेक्सटाइल्स के अंदर, लेदर में, टोबैको इंडस्ट्रीज़ में, पावर ट्रांसमिशन में, इन सब में हम माइक्रोवेव को यूज़ करते हैं। ये तो हमारी कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो गई। उसके अलावा बायोमेडिकल जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वहाँ भी माइक्रोवेव का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। डायग्नोस्टिक्स के अंदर भी किसी पर्टिकुलर चीज़ को आपको डायग्नोस करना है या थ्योरेटिकली आपको कोई थेरेपी देनी है, उन एप्लीकेशंस में भी माइक्रोवेव का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। एग्जाम्पल, डायथर्मी फॉर लोकलाइज्ड सुपरफिशियल हीटिंग, हमें पता है गर्म करता है, हम किसी पर्टिकुलर एरिया को सुपरफिशियली हीट करना चाह रहे हैं तो इस चीज़ को हम जो बोलते हैं डायथर्मी बोलते हैं, गर्म करना किसी पर्टिकुलर लोकेशन को। तो बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को आपको सुपरफिशियली हीटअप करना है तो हम इसको यूज़ करते हैं। सुपरफिशियली के अलावा अगर हमें डीप हीटिंग करनी है, डीप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीटिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हमें किसी पर्टिकुलर अंदर के पार्ट को हमें हीट करके उसको बर्न करना है सेल्स को, तो वहाँ भी हमारी डीप हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीटिंग के लिए माइक्रोवेव का यूज़ आता है। ऐसे ही हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया मतलब हाई टेम्परेचर करना, लोकल किसी पर्टिकुलर एरिया पे करना है, किसी पर्टिकुलर रीजन पे करना है, बॉडी के किसी ऑर्गन पे करना है, या हॉल बॉडी पे करना है फॉर कैंसर थेरेपी, ताकि उसको हीटअप करके आप उसको पर्टिकुलर ऑर्गन को ट्रीट करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी हमारा ये थ्योरेटिकली थेरेपी के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। उसके अलावा डायग्नोस्टिक की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन हम करते हैं थ्रू ह्यूमन बॉडी, और उससे हम मॉनिटर कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं हार्ट बीट को, लंग वाटर डिटेक्शन को कि लंग्स में कितना वाटर है, और उसके अलावा और भी हमारी वेरियस एप्लीकेशंस हैं डायग्नोसिस की इन
बायोमेडिकल एप्लीकेशंस, इस प्रकार से वेरियस कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हमारी आती हैं इस केस के अंदर। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर एप्लीकेशंस हमारी आती हैं कि हम मिलिट्री एप्लीकेशंस में, या हमारा कोई कम्युनिकेशन फील्ड है जहाँ हमें डेटा सिक्योरिटी करनी है, या हमारे कोई पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को रेडार से बचाना है, किसी डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट IR जो ऑब्जेक्ट है उससे उसको आपको उसको डिफाइन करना है, उससे बचाना है उसको, तो उन सब के लिए हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैटेगरी में आता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर जो आता है, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि हमारी मिसाइल हुआ या एयरक्राफ्ट हुआ उसको रेडार से छुपाता है वो, तो वो उस प्रकार के जो डिसीव कर देता है उसको, तो ECM हुआ, ECCM हुआ, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर हुआ, ये सिस्टम्स होते हैं हमारे हमारे किसी भी पर्टिकुलर मिसाइल को या हमारे किसी एयरक्राफ्ट को दुश्मन के रेडार से या किसी पर्टिकुलर रेडार सिस्टम से, डिटेक्शन सिस्टम से उसको हाइड करने के लिए इन सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है, उसमें एप्लीकेशन आती है। ऐसी स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम जो हमारा होता है, हमारा कोई भी डेटा ट्रांसमिशन है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन है, चाहे हमारा कॉमर्शियल हो चाहे हमारा मिलिट्री से रिलेटेड हो, उसको आपको हाईली सिक्योर करना है, प्रोटेक्शन करना है विथ वेरियस काइंड ऑफ कोडिंग, वो स्प्रेड स्पेक्ट्रम के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। उसको इजीली डिटेक्ट कोई भी अनवांटेड तरीके से नहीं कर सकता, उसको आप हाइड कर सकते हो, इनक्रिप्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दीज सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा इसमें प्ले करता है। इन एप्लीकेशंस के अलावा में कुछ हमारी अदर एप्लीकेशंस भी आती हैं, जैसे आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड पर्सनल बाय नॉन कॉन्टैक्ट मेथड, कि हमें बिना किसी कॉन्टैक्ट में आने से हमें किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, किसी पर्सन को डिटेक्ट करना है, तो हम जो हमारी रेडार की जो हमारी जो उसमें एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को यूटिलाइज करते हुए हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं। देन लाइट जनरेटेड चार्ज कैरियर इन माइक्रोवेव सेमीकंडक्टर मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट ए होल न्यू वर्ल्ड ऑफ माइक्रोवेव डिवाइसेस, फास्ट जिटर फ्री स्विचेस, फेज शिफ्टर्स, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेशंस एंड ट्यूनिंग एलिमेंट्स। हमारी और अदर एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में नंबर ऑफ माइक्रोवेव जो एलिमेंट्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हो चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हों, उनमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हम डिज़ाइन कर सकते हैं, वेरियस प्रकार के स्विचेज, फेज शिफ्टर्स, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स, ऑक्सीलेटर्स, ट्यूनिंग एलिमेंट्स, इन सबको हम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज की हेल्प से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हुई। तो हमारा ये चैप्टर है, इसमें काफ़ी दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बड़े, कि एप्लीकेशंस के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में, वेरियस बैंड्स के बारे में, और स्मॉल क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो कुछ एब्रीवेशंस के बारे में क्वेश्चन बनता है कि इसको हम क्या बोलेंगे, ELF क्या होता है, VHF क्या होता है, HF क्या होता है, या हमने इनिशियल डिस्कस किया था हमारा और भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी स्मॉल एब्रीवेशंस के अंदर, इनिशियल तौर पे हम देखें LOS लाइनोसाइनेट हो गया हमारा, उसके अलावा इनिशियली हमने डिस्कस किए थे वेरियस बैंड्स के बारे में, और हमारा BKO हमने डिस्कस किया था, बारकहाउसेन कर्ट्ज़ ऑसिलेटर, और IEC इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस हमने देखा था। तो ये एब्रीवेशंस हुए, और पर्टिकुलर बैंड की क्या फ्रिक्वेंसी रेंज है वो हमने डिस्कस की थी, कौन सा रेंज में कौन सा बैंड काम में आ रहा है, वो किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में काम आ रहा है, तो ये सब जो है हमारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर बनते हैं।